बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक्निकल इजी चैनल में आप भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक वॉलेट अकाउंट की डिटेल दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा और उसकी मुकम्मल मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहते हैं और आप बोलते हैं कि हमको एक ऐसे सिंपली अकाउंट जो है आप यूज़ करें, तो आप लोग वॉलेट अकाउंट जो है आप लोग कर सकते हैं। वॉलेट अकाउंट आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों की बड़ी चौड़ी जो है ट्रांजेक्शन नहीं है और आप लोग ऐसे ही अपने थोड़ी ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वॉलेट अकाउंट आप लोगों के लिए बेस्ट है। हालांकि वॉलेट अकाउंट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन हर बैंकिंग के जो है अलग अलग वॉलेट हैं, विदाउट बैंकिंग भी है और बैंक के थ्रू भी वॉलेट अकाउंट अब जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग वॉलेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे, कौन सा करेंगे। तो वॉलेट अकाउंट तकरीबन बहुत सारी बैंकिंग जो हैं वो, जैसे कि अभी मैं आज की इस वीडियो में फर्स्ट पे का वॉलेट अकाउंट है वो बताऊंगा, जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक SBL माइक्रो फाइनेंस बैंक वालों की ये एप्लीकेशन है। SBL वालों की जो है वो जैसे कनेक्ट SBL है, और अगर हम बात करें इसकी एलाइट बैंक की, तो इसका एक वॉलेट अकाउंट है, एलाइट वॉलेट अकाउंट है, ABL वॉलेट अकाउंट, ठीक है। इस तरह के अकाउंट है, सादा पे अकाउंट है, नया पे अकाउंट है, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उनका भी जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उनकी डिटेल और मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट पे एप्लीकेशन आप लोगों को मोबाइल अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। फर्स्ट पे लिखेंगे SBL माइक्रो फाइनेंस बैंक वालों की ये एप्लीकेशन है, जो कि ये वॉलेट अकाउंट है। आप लोग बहुत इजीली इसको अपने मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर में आ लेना है, फर्स्ट पे लिख लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोग ईजिली स्टेप जो है, चंद स्टेप जो है फॉलो करके आप लोग अकाउंट में रजिस्टर हो सकते हैं। आप लोगों का NIC होना चाहिए और आप लोगों का मोबाइल नंबर आप लोगों के NIC पे रजिस्टर होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। अब जानना चाहते हैं इसके जो डिटेल है, आप देख सकते हो फर्स्ट पे से हो गया फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, मोबाइल टॉप अप, इंस्टेंट लोन। आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, बिल पेमेंट कोई भी बिल है आप लोगों का वो भी यहां से पे कर सकते हैं, मोबाइल टॉप अप भी कर सकते हैं। नीचे आते हैं और इसकी वॉलेट टाइप एंड लिमिट के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल पाकिस्तानीज हैविंग CNIC आर एलिजिबल फॉर अ फर्स्ट पे वॉलेट अकाउंट। तो जिन भाइयों के पास भी CNIC है तो वो एलिजिबल हैं इस वॉलेट अकाउंट के लिए, वो वॉलेट अकाउंट बहुत आसान तरीके से ओपन कर सकते हैं। नीचे आ लेते हैं इसके लेवल्स के बारे में। दो लेवल हैं इस अकाउंट की। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को ज़ीरो लेवल मिलेगी, जिसमें आप लोग अपना जो पेयर डे की ट्रांजेक्शन होगी वो 25,000 होगी, ये ज़ीरो लेवल में है। पेयर माउथ की 50,000 और पेयर ईयर की 2,00,000 होती है, ठीक है, मैक्सिमम 2,00,000 की होती है लेवल ज़ीरो में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करना भी बहुत ही आसान है। आप लोगों को भी इसमें गूगल प्ले स्टोर में आ लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड SBL माइक्रो फाइनेंस बैंक एसिस बैंकिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये एसिस बैंकिंग है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है और आप लोगों ने बायोमेट्रिक के ज़रिए इसको वेरीफाई करना है और आप लोग अपने अकाउंट में अपने अकाउंट की जो लेवल है वो बढ़ा के ज़ीरो से ज़ीरो लेवल वन में आ सकते हैं, ठीक है। तो लेवल वन में आप देख सकते हो 50,000 की डेली लिमिट है, 2,00,000 की मंथली है, और आप लोगों को बताता चलूँ कि पेयर ईयर की जो है वो 24,00,000 है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो आप लोगों को 4,00,000 तक मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को अपग्रेड करना होगा, तभी ये आप लोग सर्विस इसकी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है, मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एसिस चैनल जो है आप देख सकते हो, डायल *2262#, अगर ये कीपैड वाला मोबाइल है तो ये कोड डायल करके आप लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन को थ्रू करेंगे तो आप लोग इस जो फर्स्ट पे की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। और आप लोगों को एक पे पाक कार्ड भी जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर आप लोग पे पाक कार्ड ऑर्डर करेंगे तो, ठीक है, उसकी फ़ीस लगेगी, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें, इसको ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और फर्स्ट पे मोबाइल एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ट्रांजैक्शनल सर्विस जो है आप जान लेते हैं। आप देख सकते हो
नानू लोन्स, अगर लोन लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। चिट फंड्स कंप्यूटर्स फंड ट्रांसफ़र लोड बैलेंस फ्रॉम लिंक इन कन्वेंशनल अकाउंट मोबाइल टॉपअप मोबलिंग जेज टेलीनॉर जोंग वारेद एंड यूफोन यूटिलिटी बिल एंड अदर बिल पेमेंट रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम अदर फर्स्ट पे यूज़र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये सब चीज़ें आप लोग इस अकाउंट में कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। नॉन ट्रांस जो है पेमेंट की बात करें, पेमेंट टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आप लोग वाई ट्रिप कोई भी वोट कॉल नेटल ये हर चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बिल पेमेंट यूटिलिटी बिल कंप्लेंट, तो आप लोग बिल भी यहाँ से स्विगी गैस का कर सकते हैं, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, उधर जो भी करीम है और पीटीसीएल है, तो ये हर चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट पे डेबिट कार्ड अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पे डेबिट कार्ड अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टू विदड्रा कैश फ्रॉम एनी एसबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक और वन लिंक मेंबर बैंक्स एटीएम विद इन पाकिस्तान एंड फॉर हासिल फ्री कैशलेस। तो इन जो भी माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो आप लोग अगर आप लोग वहाँ से करेंगे कैश विद्रा तो बिल्कुल फ्री में है। आप लोग हर जो है वक्त इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अवेलेबल थ्रू फर्स्ट पे एंड एसएमएस असिस्ट टू 24/7 विद योर फर्स्ट पे डेबिट कार्ड। तो आप लोग 24 घंटे इसकी एसएमएस सर्विस जो है अलर्ट सर्विस वो भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है। कैश विद्रा फ्रॉम एनी एचबीएल माइक्रो फाइनेंस ये मैंने बता दिया है। मोबाइल टॉप अप हर चीज़ कर सकते हैं और हाउ टू गेट फर्स्ट पे डेबिट कार्ड, तो इसके लिए यू कैन रिक्वेस्ट टू फर्स्ट पे डेबिट कार्ड थ्रू फर्स्ट पे मोबाइल एप्लीकेशन विथ अ चॉइस ऑफ डिलीवरी टू योर नियरेस्ट ब्रांच और योर रजिस्टर्ड होम एड्रेस। योर डेबिट कार्ड विल बी डिलीवर्ड इन अप्रूव अप्रोक्स 15 वर्किंग डे। 15 दिन में आप लोगों को ये कार्ड मिल जाएगा अगर अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले भी मिल जाता है। और उसको आप लोग अगर चूज़ करेंगे अपनी ब्रांच अगर आप लोगों के करीब है तो वहाँ से अगर हासिल करना चाहें तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी एड्रेस देना चाहते हैं होम एड्रेस, तो वो वहाँ से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेट आप लोग इसको एटीएम कार्ड को अपनी जो है प्लीज़ क्लिक कर तो टोटल एक्टिवेशन योर फर्स्ट पे डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड वहाँ से भी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, और अगर आप लोग कार्ड कॉन्टेक्ट सेंटर से करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की जो वीडियो, और आप लोगों को फर्स्ट पे वॉलेट अकाउंट की मैंने डिटेल दी। अगर आप लोग ओपन करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।